गुजरात के वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर स्थित फेडरेशन ऑफ गुजरात एंड बिजनेस सेंटर में खलीलोत्सव का आयोजन किया गया। गुजराती और उर्दू के जाने माने कवि खलील धनतेजवी वडोदरा की शान है। पद्मश्री खलील धनतेजवी अब नहीं है, लेकिन उनकी गजलें आज भी साहित्यकारों के दिलों में जिंदा हैं। ऐसी ही कुछ गजलों की प्रस्तुति का कार्यक्रम वडोदरा में आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा के गोत्री सेवासी रोड पर स्थित फेडरेशन ऑफ गुजरात एंड बिजनेस सेंटर में पद्मश्री खलील धनतेजवी एकेडमिक फाउंडेशन द्वारा खलीलोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर खलील धनतेजवी की गजलों के संग्रह समर्पण और नबील सैयद के प्रथम उर्दू गजल संग्रह ख्वाबों के नखल का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, पूर्व पुलिस अधिकारी किशोर सिंह चौहान और साहित्य प्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। हर साल पापा के जन्मदिन पे दिसंबर में हम लोग ये प्रोग्राम करते हैं, साहित्य और कल्चरल प्रोग्राम हम लोग आयोजन करते हैं। ये प्रोग्राम खलील धनतेजवी एकेडमिक फाउंडेशन की तरफ से किया जाता है। खलील धनतेजवी एकेडमिक फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशनल एक्टिविटी करता है, उनकी स्टेशनरी प्रोवाइड करता है, उनकी फ़ीस में हेल्प करता है। इस तरह के हमारे कार्यक्रम होते हैं। और पापा जो थे एक बड़े साहित्यकार थे, पद्मश्री अवार्ड उन्हें मिला था, और उनके इच्छा अनुसार हम लोग ये प्रोग्राम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और इस ट्रस्ट को भी हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले और हर साल ये प्रोग्राम इस तरह से करने वाले हैं। फिरदौस भाई देखैया है, शशांक भाई फडनीस है जो संगीतकार है, और यहाँ के भी जो शायर यहाँ के भी है दीना शाह, आरिफ भाई दीना बिन शाह, आरिफ भाई शेख, और बाहर से भी आए हैं राणा भाई बावलिया, हिरेन भाई गढ़वी, बाहर से भी बहुत लोग आए हैं जो पापा के चाहने वाले भी है और अच्छे कलाकार भी है।